बरेली महानगर कांग्रेस कमेटी के रामपुर बाग स्थित कार्यालय पर रविवार को बड़ी तादाद में गैर कांग्रेसी दलों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए दर्जनों लोगों का महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने स्वागत किया एवं सभी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। सभी को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया गया और ये विश्वास दिलाया गया कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर पीड़ित कमजोर और सत्ता पक्ष से सताए हुए लोगों के साथ खड़ा है। इस अवसर पर बोलते हुए महानगर अध्यक्ष श्री शुक्ला ने कहा कि 1989 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन की धार में कोई कमी नहीं है। हमने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया है। जातिवाद, फिरका परस्त और सांप्रदायिक ताकतों के ताबूत में कील भी ठोकी है। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक दुखी और पीड़ित है, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, महंगाई इतनी है कि घर की रोजी रोटी चलाना भी उसके लिए मुश्किल होगा। धर्म और सांप्रदायिक के नाम पर सत्ता तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज ये महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली में हमारे कुंवर साजिद अंसारी साहब ने बसपा छोड़ के आज कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन करी है और उन्होंने जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको समझा है बहुत अच्छी तरीके से। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आज हमारी ज्वाइन करा है और हम लोग आज इन लोगों का खैर मकदम करते हैं और इनके आने में हम लोगों ने आज यहाँ पर एक उत्सव सा मनाया है और ये जानते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। राहुल जी जिस तरीके से उन्होंने यात्रा चालू करी, हाथ जोड़ो यात्रा, उस यात्रा का परिणाम है कि अब हर जगह लोग बसपा और बीजेपी सपा के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं और हम लोगों में भी इसी तरीके से एक उत्साह बना हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।